तो साथियों ये बात होगी सरवर नीर के किस्से से, जब वो धोबी और धोबन उस सरवर नीर को पढ़ा लिखा करके फौज में भर्ती कर देते हैं, तो जहाज पर दोनों भाई ड्यूटी दे रहे हैं और पहरेदार कहने लगे भाई कुछ कहानी सुनाइए। तो सरवर नीर कहने लगे कि अप बीती सुनाए या जग बीती। तो कहने लगे कि जग बीती तो बहुत सुनी, अप बीती सुनाओ। चार कलियों के माध्यम से श्रोमणी कवि जाट महर्षि ने एक एक बोल किस तरह लिखा, आइए सुनते हैं। हे जी छूट गया अमृत सर का वास, मेरे अम्ब पिता थे अमली माता, अम्ब पिता थे अमली माता, हम थे आस छूट गया अमृत सर का वास, हे जी छूट गया अमृत सर का वास, ऐसा बुरा हाल किया लत्ते कपड़े तार के ने, ऐसा बुरा हाल किया लत्ते कपड़े तार के ने, ऐसा बुरा हाल किया, राज ग्रह के रहने वाले भिक्षा का आधार करे, मात पिता दोनों भाई धक्के दे के बाहर करे, पहले वचन भरा लिए सब तरिया लाचार करे, पहले वचन भरा लिए सब तरिया लाचार करे, पहले वचन भरा लिए सब तरिया लाचार करे, धोखे के महाराज ले लिया रे, धोखे के महाराज ले लिया सारे का वास, हे जी छूट गया अमृत सारे का वास। सारे का
गई बच्चों की माँ छो में आठ भटियारी बोली निकल अभी सरा से जा चंबल ऊपर पहुँचे राजा अधम बिचारे डूबी ना चंबल ऊपर पहुँचे राजा अधम बिचारे डूबी ना चंबल ऊपर पहुँचे राजा अधम बिचारे डूबी ना एक किनारे मैंने क्या और दूसरे किनारे नीर नारे नारे पाठ दिए न्यू फूटी भारी तकदीर बच्चे पर मैं दुख देखे रोवण लगे दोनों पीर बच्चे पर मैं दुख देखे रोवण लगे दोनों पीर बच्चे पर मैं दुख देखे रोवण लगे दोनों पीर अरे दरिया के मजाल उठे तुरे दरिया के मजाल उठे तुरे